हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ तस्नीम मोमिन, आई वेलकम यू बैक टू इंग्लिश क्लासरूम। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे कुमार भारती स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 2.5 जो है लेट्स मार्च। इट्स अ स्पीच गिवन बाय कैलाश सत्यार्थी। कौन है कैलाश सत्यार्थी? ही इज एन सोशल रिफॉर्मर एंड एक्टिविस्ट। वो कहाँ पैदा हुए? वो मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं। ही हैज कंप्लीटेड हिज एजुकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड ही वर्क्ड एज अ टीचर। इन 1980 ही लेफ्ट टीचिंग एंड फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन बचपन बचाओ आंदोलन। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की फॉर द चिल्ड्रन हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड स्लेवरी, नॉट अप टू लिमिटेड टू द इंडिया बट इवन ही हैड कंट्रीब्यूटेड दिस वर्क टू ऑल ओवर द इंडिया, ऑलमोस्ट 144 कंट्रीज। तो इन्होंने बहुत बड़ा मतलब काम किया है, बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म किया है। सो उन्होंने जब भी उनको नोबेल प्राइज मिला था 2014 में, नोबेल प्राइज फॉर द पीस, तो उस ओकेजन पे उन्होंने ये वाला स्पीच दिया था। सो गाइज, हम लोग पढ़ेंगे आप अभी आपके टेक्स्ट बुक में से। कैलाश सत्यार्थी 1954 is an Indian children's right and education advocate and an activist against child labor. Child labor क्या होता है? जो बच्चों को स्कूल को नहीं भेजते, जो गरीब बच्चे होते हैं, they can't afford to go to school. तो उनको जो है काम करना पड़ता है, कमाना पड़ता है बहुत ही कम उम्र में. So it's called an child labor. तो ये वाला मतलब उनको क्या लगता है, अगर हमारे बच्चे एजुकेटेड बनेंगे तो हमारा देश का बोलो, हमारा खुद का सब क्या होगा, फ्यूचर ब्राइट होगा। अगर हमारे बच्चे ही नहीं, हमारे यंग वंस, हमारी यंग जनरेशन एजुकेटेड नहीं होगी तो सब प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ेगी, पूरे नेशन को फेस करनी पड़ेगी। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट आर चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड, दे शुड हैव, उनको इल्म होना चाहिए, उनको तालीम मिलनी चाहिए, उनको सही और गलत के बीच में फैसला करने की अकल होनी चाहिए। सो दैट इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट आवर चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड, आवर यंग जनरेशन शुड बी एजुकेटेड। ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980 एंड हैज एक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मोर देन 83,000 चिल्ड्रन अक्रॉस 144 कंट्रीज। He is honored with many awards including Nobel Prize, Nobel Peace Prize in 2014. He had addressed this speech on the eve of Nobel Prize distribution ceremony. Eve का मतलब क्या होता है? Event. जब Nobel Prize distribution का event था, उस occasion पे, उस event पे उन्होंने ये वाला speech दिया था. So let's begin with the speech. इट्स डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स। ये जो स्पीच है थ्री पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। आज के लेक्चर में हम लोग फर्स्ट पार्ट ही देखेंगे। माई डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, योर मैजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेसेस, एक्सलेंसेस, डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्वेजियन नोबल कमिटी, डियर ब्रदर टॉम हैपकिन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड माई डियर डॉटर मलाला। तो ये सब जो जिसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है, दे आर ऑल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, ये सब लोग उनके आप सामने बैठे हुए हैं एज एन ऑडियंस, दे आर लिसनिंग टू हिम। तो वो उनको बोल रहे हैं योर मैजेस्टीज, उनको रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं, योर रॉयल हाइनेसेस, हाइनेसेस मतलब जो शाही खानदान से शाही लोग आए हैं उनको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक्सलेंसेस जो एक्सलेंट पर्सनैलिटीज वहाँ पे हैं उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, और नॉर्वेजियन नोबल कमिटी के मेंबर्स हैं उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, और ब्रदर टॉम हैपकिन, ये कौन है, यूएस के सेंटर मेंबर हैं, उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, और मलाला, मलाला को आप जानते हैं, शी इज़ एन पाकिस्तानी सोशल रिफॉर्मिस्ट। मलाला यूसुफजाई करके जो है उन्होंने भी एजुकेशन को लेके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं, बहुत सारा उन्होंने सोशल रिफॉर्म किया है पाकिस्तान में, फॉर गेटिंग द एजुकेशन टू द लेडीज एंड इवन फॉर द यंगस्टर्स। तो उन्होंने इन सब को डिस्क्राइब किया है, दे आर डिस्क्राइबिंग हिम, डिस्क्राइबिंग ऑल दिस पर्सन इन देयर स्पीच। फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी आई एम डीपली ऑनर्ड टू रिसाइट अ मंत्रा फ्रॉम द एंशियंट टेक्स्ट ऑफ विजडम
वेदास। तो क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम दिस पोडियम, पोडियम मीन्स व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पोडियम, हियर इट इज गिवन, इट्स अ स्मॉल प्लेटफॉर्म, ये जो इट्स पोडियम का मीनिंग है स्मॉल प्लेटफॉर्म ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी, ये जो छोटा सा प्लेटफॉर्म है पीस और ह्यूमैनिटी का, तो शांतिता और इंसानियत का, शांति प्रिय और इंसानियत का ये जो छोटा सा प्लेटफॉर्म है, तो उनको ऑनर्ड किया गया, उनको बताया गया है कि वो थोड़े मतलब अपने वर्ड्स बताएं, अपना जो है स्पीच दें। तो यहाँ पे वो मंत्र कहाँ से, वेदास में से जो मंत्र है वेदास करके, वो एंशियंट बहुत एंशियंट लिटरेचर है वेदास, तो उसमें से वो थोड़े मंत्र यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। दिस मंत्र कैरीज अ प्रेयर एंड एस्पिरेशन एंड रिजॉल्व दैट हैज द पोटेंशियल टू लिबरेट ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस। तो ये मंत्र में एस्पिरेशन मीन्स क्या, एंड आइडेंट और विश, विश और डिजायर, इसमें एक विश है, एक डिजायर है जो कि पूरे इंसानियत को, इंसानियत को लिबरेट, लिबरेट का मतलब क्या है, टू अलाउ टू बी फ्री, तो पूरी इंसानियत को फ्री करेगी, कैसे फ्री करेगी, मैन मेड क्राइसिस, मैन मेड क्राइसिस, क्राइसिस मीन्स अ ग्रेट डेंजर और डिफिकल्टी, जो कि जो एक प्रॉब्लम है मैन ने जो डेंजर बनाया है, मैन मेड क्राइसिस नॉट नेचुरल क्राइसिस, फॉर एग्जांपल अभी चाइल्ड लेबर जो है ये एक मैन मेड क्राइसिस है, और जो भी इंसानी डिजास्टर जो है, जो नेचुरली नहीं, इंसानों से फसाद जो पैदा होती है, फसाद जो आदमी से फसाद पैदा होती है, उसको दूर करने के लिए वेदास विश कर रहे हैं। लेट्स वॉक टुगेदर इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस, नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट और लेफ्ट बिहाइंड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। पर क्या बोल रहे हैं, परस्यूट मीन्स वॉट, इन कंटिन्यूएशन, वी शुड बी कंटिन्यू, हम लोगों को कंटिन्यूसली प्रोसीजर चालू रखनी है, फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट अ सिंगल पर्सन, एक भी इंसान छूटना नहीं चाहिए इस रिफॉर्म में, इट्स मार्च में, लेट्स मार्च उन्होंने बोला है ना, तो हम लोगों को सबको कंटिन्यूस आगे बढ़ना है, ये चाइल्ड लेबर और क्या बोलते हैं चाइल्ड स्लेवरी को दूर करने के लिए वी शुड मार्च टुगेदर, वी शुड मार्च फॉरवर्ड, हम लोगों को आगे बढ़ना है, बिकॉज ये जो यूथ है, ये जो बच्चे हैं, ये जो चिल्ड्रन है, वी शुड हैव टू एजुकेट देम, बिकॉज इनको अगर हम आज सही तालीम नहीं देंगे तो वो अच्छे और बुरे में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे, वो अच्छे और बुरे की सोच नहीं रखेंगे, समझ नहीं रखेंगे, बड़े होके वो कुछ भी गलत काम कर सकते हैं, और इट शुड बी अ प्रॉब्लम, अ डिजास्टर फॉर आर कंट्री, फॉर आर सेल्फ, अगर हम बच्चों को अच्छी तालीम नहीं देंगे तो उसका रिएक्शन उनके बड़े होने के बाद में दिखाई दिएगा, मतलब वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे, उनको सही और बुरे की तमीज़ देना, अच्छा एजुकेशन देना, अच्छी तालीम देना, अच्छे संस्कार देना, ये हमारा हर एक का फर्ज है, ये बोल रहे हैं। लेट्स स्पीक टुगेदर, लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर, लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ द एंसेस्टर्स, लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज All for all that benefits all. तो हमारे जो पूर्वज हैं, ancestors हैं, उनके experience को लेते हुए हम लोग ऐसा knowledge हमारे बच्चों को देंगे जो कि सबके लिए beneficial हो. I bow to my late parents, to my motherland India and to the mother earth. I bow means झुकना या फिर चरण स्पर्श करना, किसको, किसके कर रहे हैं, लेट पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स गुजर चुके हैं, स्वर्गवासी हैं, उनके वो कदम चूम रहे हैं, और किसका, मदरलैंड, भारत माता, मदरलैंड इंडिया, भारत माता इंडिया, और एंड द मदर अर्थ, और इस जो दुनिया है, दुनिया को कदम चूम रहे हैं। ही इज बोइंग विद अ वार्म हार्ट, आई रिकॉल हाउ थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स आई हैव बीन लिबरेटेड, ईच टाइम आई हैव फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी, जब भी उन्होंने हर एक बच्चे को स्लेवरी से, मीन्स गुलामी से आज़ाद किया, उस हर वक्त उन्होंने अपने को फ्री महसूस किया है। इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देयर ब्यूटीफुल फेसेस आई सी द गॉड स्माइलिंग, तो जो उनको फ्रीडम मिलने के बाद में उनके चेहरे पे जो खुशी होती थी, तो उनको कैसे लग रहे, उनको ऐसे महसूस हो रहा है कि खुदा खुदा
गॉड की स्माइल है, गॉड इज स्माइलिंग, ऐसे उनको महसूस हो रहा है. आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर टू माई मूवमेंट्स ऑफ कालू कुमार, धूमदास एंड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया एंड इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान, हु मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन. तो कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर इंडिया से और इकबाल मसीह ये पाकिस्तान से, इन्होंने भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, बहुत सारे सैक्रिफाइस दिए हैं फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों का फ्रीडम, बच्चों की जो आज़ादी और डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, बच्चों की जो आज़ादी है और सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको बचाने में उन्होंने भी बहुत सारे सैक्रिफाइस दिए हैं. आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टियर्स, माई फेलो एक्टिविस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड माई कंट्री मैन. तो ये जो अवार्ड ले रहे हैं तो उनके बिहाफ ले रहे हैं, जो एक्टिविस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है उनके बिहाफ ले रहे हैं. माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी, इंडिया टू नॉर्वे इज अ कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड, एंशियंट एंड मॉडर्न. तो उनकी जर्नी कहाँ से, लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक और महात्मा गांधी इनके विचार को फॉलो करते हैं और फ्रॉम इंडिया से नॉर्वे तक उनका जर्नी हुआ. इट्स अ कनेक्शन बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड, एंशियंट एंड मॉडर्न. नॉर्वे और इंडिया को उन्होंने क्या बताया, ग्लोबल पीस के और ब्रदरहुड के टू सेंटर्स डिस्क्राइब किए हैं उनके स्पीच में. फ्रेंड्स, द नोबेल कमिटी हैज जनरसली इनवाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर. Respectfully, I am unable to do that, but because I am representing here the sound of silence, the cry of innocence and the face of invisibility. तो क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, दोस्तों मुझे यहाँ पे नोबेल कमिटी ने इनवाइट किया है लेक्चर देने के लिए, लेकिन मैं रिस्पेक्टफुली, मैं इज्जत से यहाँ पे वो लेक्चर नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आई एम रिप्रेजेंटिंग, मुझे यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है, द साउंड ऑफ साइलेंस. द साउंड ऑफ साइलेंस मीन्स अनहियर्ड प्ली ऑफ द डिप्राइव्ड. जो जिन लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती उन लोगों की आवाज़ मुझे यहाँ सुनानी है. द क्राई ऑफ इनोसेंस, मासूम लोगों के जो आंसू हैं उनको मुझे यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, यहाँ पे बताना है. एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, उन लोगों का चेहरा जो इनविजिबल है उनका चेहरा मुझे यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दूस चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट बिहाइंड एंड दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट एन एम्प्टी चेयर हियर एज अ रिमाइंडर. तो उन्होंने स्टेज पे एक एम्प्टी चेयर रखी है एज अ रिमाइंडर, एक यादगार के तौर पे. किसके लिए, आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दूस चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट बिहाइंड, जो कि मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, मिलियंस ऑफ बच्चे जो कि छूट गए हैं उनके लिए उन्होंने वो चेयर क्या की है, एक यादगार के तौर पे खाली रखी है. आई हैव कम हियर ओनली टू शेयर द वॉइसेस एंड ड्रीम्स ऑफ आर चिल्ड्रन बिकॉज दे आर ऑल आर चिल्ड्रन. जेस्चर्स टू एवरीवन इन द ऑडियंस, उन्होंने एक्शन किया है ऑल चिल्ड्रन मींस ही इज denoting, is describing, these children are all of us, हमारे हैं वो बच्चे. तो यहाँ पे वो आए हैं उन बच्चों की आवाज़ शेयर करने के लिए, उन बच्चों की ड्रीम्स शेयर करने के लिए जो कि हम सब के बच्चे हैं. यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया है, जेस्चर टू एवरी वन इन द ऑडियंस. जेस्चर मीन्स एक्शन करके दिखाना, लाइक दिस. आई हैव लुक्ड इन टू देयर फ्राइटन एंड एग्जॉस्टेड आईज. I have held their injured bodies and felt their broken spirits. मैंने उनकी घबराहट महसूस की है, उनके आँखों में जो घबराहट है, exhausted, जो एक finish होने का, जो एक ख़त्म होने की जो feelings है उसको मैंने देखा है, उनके injured bodies को देखा है और उनके जो broken spirits हैं, जो उनके हौसले जो टूट चुके हैं उनको उन्होंने महसूस किया है. 20 years ago in the foothills of the Himalayas, I met a small skinny child laborer. He asked me, is the world so poor that I cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool? तो 20 साल पहले की बात उन्होंने यहाँ पे बताई है. वो हिमालय के फुट हिल्स पे, हिमालय के पर्वत के फुट हिल्स पे
उन्होंने एक बच्चे को बच्चे से मिले वो वहाँ पे, जो कि एक छोटा सा बच्चा था, स्किनी मींस दुबला पतला था, वो एक चाइल्ड लेबरर था ही। उन्होंने उसने उनको पूछा कि क्या ये दुनिया इतनी गरीब है कि वो मुझे खिलौने और किताब देने के बजाय एक गन, एक बंदूक और टूल्स मीन्स हथियार दे दिए। आई एम मेड विथ अ सुडानीज चाइल्ड सोल्जर, ही वॉज किडनैप्ड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया एज हिज फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन, ही वॉज फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली, ही आस्क्ड मी व्हाट इज माय फॉल्ट। और सुडानीज चाइल्ड सोल्जर मीन्स जो एक सुडान एक कंट्री है वहाँ का चाइल्ड सोल्जर उनको मिला, जो कि किडनैप किया गया था एक्सट्रीमिस्ट मिलिट्री से। और उसकी फर्स्ट ट्रेनिंग का लेसन क्या था कि अपने फ्रेंड्स को और अपने फैमिली मेम्बर्स को ख़त्म करना। तो वो पूछ रहा है इनको कि मेरा क्या फॉल्ट है, मेरी क्या गलती है। फ्रेंड्स ऑल द रिलीजन्स टीचर्स टू केयर फॉर आर चिल्ड्रन, हर एक मजहब यही सिखाता है कि अपने बच्चों की देखभाल करें, बच्चों की अच्छी परवरिश करें। जीसस सेड लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, डू नॉट हिंडर देम फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम। तो क्या बोल रहे हैं जीसस क्राइस्ट, क्या बोल रहे हैं बाइबल में बोल रहे हैं शायद जीसस क्राइस्ट का डिस्क्राइब किया है यहाँ पे, तो कि बच्चों को मेरे पास आने दो, डोंट हिंडर देम, उनको मत छिड़काओ। फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम, क्योंकि भगवान का जो किंगडम है, गॉड का जो किंगडम है, वो उनसे बिलोंग करता है। द होली कुरान सेज किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, कि अपने बच्चों को मत मारो पॉवर्टी के डर से, गरीबी के डर से अपने बच्चों को मत मारो। फ्रेंड्स देर इज नो ग्रेटर वॉयलेंस दैन टू डिने द ड्रीम्स ऑफ आर चिल्ड्रन। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, उनके स्पीच में क्या बोल रहे हैं कि दोस्तों इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता कि आप अपने बच्चों के ड्रीम्स को रोकें। Therefore, I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayers houses no place for the dreams of our children. वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि temples, जो मंदिर मस्जिद और चर्च जो है और prayer house जो कुछ भी हैं, कि no place for उनके जग उनके वहाँ यहाँ पे बच्चों के ड्रीम के लिए जगह नहीं है। इस बात से वो डी नहीं कर रहे हैं, मीन्स ही इज एक्सेप्टिंग, क्योंकि हर एक मजहब यही सिखा रहा है कि अपने बच्चों का देखभाल करें, उनकी अच्छी परवरिश करें। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज सो पुअर व्हेन जस्ट वन वीक ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर कैन ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रन टू क्लासरूम। तो बोल रहे हैं वो इस बात से भी एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि अपना जो वर्ल्ड है, अपना जो पूरी दुनिया है, इतनी भी गरीब नहीं है कि वो बच्चों को क्लासरूम तक नहीं ले आ पाए, इतनी भी गरीब नहीं है। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑल द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस पुलिस एंड जजेस आर अनेबल टू प्रोटेक्ट आर चिल्ड्रन। मैं इस बात से भी इनकार कर रहा हूँ कि जो कुछ भी अपने लॉज हैं और पुलिस हैं, जजेस हैं, वो भी अब बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द शैकल्स ऑफ स्लेवरी कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर देन द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हियर। ये सब बातों से वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि शैकल्स मीन्स चेन्स दैट बाइंड, जो स्लेवरी के चेन्स है, जो स्लेवरी की जंजीर है, वो फ्रीडम से भी बड़ी है, इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। माई ओनली एम इन लाइफ इज दैट Every child is free to be a child. हर एक child को freedom है, हर एक child को freedom मिलना चाहिए, free to grow and develop, अपने उसको आगे बढ़ने के लिए freedom मिलना चाहिए, free to eat, उसको खाने के लिए sleep and see daylight, उसको सोने के लिए, खाने के लिए और सुबह की रोशनी देखने के लिए फ्रीडम मिलनी चाहिए, फ्री टू लाफ एंड क्राई, मुस्कुराने के लिए और रोने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए फ्रीडम मिलनी चाहिए, फ्री टू प्ले एंड लर्न, खेलने के लिए और सीखने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए फ्रीडम मिलनी चाहिए, फ्री टू गो टू स्कूल एंड अबव ऑल फ्री टू ड्रीम, और हर एक ख्वाब देखने के लिए उनको फ्रीडम मिलना चाहिए। आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद मैनी करेजियस पीपल हु हैव द सेम एम, मीनिंग ऑफ प्रिविलेज अ स्पेशल राइट और एडवांटेज दैट ओनली वन पर्सन और ग्रुप हैव। प्रिविलेज का मीनिंग हिंदी में होता है सौभाग्य, मुझे सौभाग्य मिला ऐसे लोगों से काम करने के लिए जिसका
मकसद यही था, सेम था, मीन्स फॉर गेटिंग फ्रीडम फॉर द चिल्ड्रन. वी हैव नेवर गिवन अप अगेंस्ट एनी थ्रीट और अटैक एंड वी नेवर विल. वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स. मतलब उन्होंने बहुत सारा प्रोग्रेस किया लास्ट कपल मीन्स दो कपल मीन्स टू ऑफ डिकेड्स. डिकेड्स का मतलब है 10 साल, मीन्स लास्ट 20 साल में उन्होंने बहुत सारे प्रोग्रेस किए. वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बाय हाफ. जो बच्चे स्कूल से बाहर थे उनका उन्होंने अभी नंबर हाफ में रिड्यूस किया है. वी हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स बाय अ थर्ड. वन थर्ड पार्ट उन्होंने चाइल्ड लेबर्स का उन्होंने रिड्यूस किया. वी हैव रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टलिटी एंड माल न्यूट्रिशन. मॉर्टलिटी मीन्स डेथ रेट एंड माल न्यूट्रिशन मीन्स डिजीज फेस्ड बाय द डिफिशियंसी और शॉर्टेज ऑफ फूड. सॉरी डिसीज कॉज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड इट्स कॉल्ड एंड माल न्यूट्रिशन. जो बच्चे खाना वगैरह नहीं मिलने की वजह से माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं. एंड वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ्स. और उन्होंने बहुत सारे चाइल्ड डेथ्स भी प्रिवेंट किए. बट लेट अस मेक नो मिस्टेक ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन. अभी भी चैलेंजेस बाकी हैं फ्रेंड्स. द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इंटॉलरेंस. सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? डर और इंटॉलरेंस. मतलब क्या इंटॉलरेंस का मतलब क्या है? असहनशीलता, इम्पेशंस. ये दो अपने ह्यूमन काइंड के लिए बहुत दो बड़े चैलेंजेस हैं. वी हैव अटरली फेल्ड आवर चिल्ड्रन इन इम्पार्टिंग एन एजुकेशन दैट गिव्स द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन दैट गिव्स द सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग द यूथ. I am afraid that the day is not very far away when the cumulative result of this failure will culminate in an unprecedented violence and that will be suicidal for humankind. मुझे डर है, बोल रहे हैं, मुझे डर है उस दिन से when the cumulative का मतलब क्या है? Increasing steadily in amount or degree etc. ये जो क्या है क्यूमुलेटिव का मीनिंग क्या है, ये जो रेट बढ़ रहा है तो इसके वजह से उनको डर है कि कहीं उसको हम लोगों को अनप्रेसिडेंट का मीनिंग क्या है, नेवर हैविंग हैपन टू एग्जिस्ट बिफोर. ऐसा कोई हम लोगों को वायलेंस, ऐसा कोई बुरा वायलेंस या फिर क्राइसिस ना पेश आए जो कि एक सुसाइडल फॉर ह्यूमन काइंड, जो एक इंसानियत के लिए इंसानियत को आत्महत्या करने पर या फिर इंसानियत की आत्महत्या होने पर मजबूर करें. इसलिए हम लोगों को बच्चों को एजुकेट कराना है, अच्छा उनकी परवरिश करानी है. राइट्स, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन. जो राइट्स हैं उनकी जो सिक्योरिटी है और उनकी जो होप है, उनकी जो आकांक्षाएँ हैं, होप्स हैं, वो सिर्फ दे कैन बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन. यंग पीपल लाइक मलाला, तो फर्स्ट एग्जाम में उन्होंने मलाला को क्या बताया? अपनी डॉटर बताया. और वो उन्होंने डॉटर क्यों बताया है वो यहाँ पे दिया है. यंग पीपल लाइक मलाला हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला. नॉट जस्ट मलाला, सो माई डॉटर मलाला एंड अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कायनाथ. इनफैक्ट टू कायनाथ एंड शाजिया एंड द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका and from all over the world they are rising up and choosing peace over violence, tolerance over extremism and courage over fear. To inhone bhi apni awaaz uthai hai. They are rising up against violence, tolerance bardasht karna aur extremism ke khilaf unhone awaaz hi uthai hai. The solutions are emerging but these solutions cannot be found in deliberations in conferences alone and that can be found in prescriptions from a distance. ये solutions दूर बैठे नहीं हो सकते, वहाँ पर हम लोगों को उतर के practically work करना है. तो deliberations का मतलब है issues discuss in meetings. मत सिर्फ meetings में discuss करने से इसका solution नहीं मिलेगा, हम लोगों को वहाँ पर उतर के उसको solve करना है. They lie in small groups and local organizations and individuals who are confronting with the problem every day. Even if they remain unacknowledged, unrecognized and unknown to the world, the solution are within. तो क्या बोल रहे हैं,
हम लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशनली हम लोगों को वर्क करना है और कॉन्फ्रंटिंग विथ मीन्स फेसिंग एन अटैक, हर ये प्रॉब्लम को हम लोगों को फेस करना है. इवन इफ दे रिमेन एक्नोलेज्ड, एक्नोलेजमेंट नॉट फॉर द सेक ऑफ एप्रिसिएशन, आई थिंक सो मीन्स हम लोगों का एक्नोलेजमेंट उसका लेना है और उसके लिए वर्कआउट करना है. इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे है ये हम हर एक इंडिविजुअल को इसलिए वर्कआउट करना है. सो गाइस, इस फर्स्ट पार्ट में तो उन्होंने यही चाइल्ड लेबर और चाइल्ड स्लेवरी के बारे में उन्होंने प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं और क्यों ज़रूरी है इस इशू पे, इस मुद्दे पे बात करना, ये भी बताया है. तो सेकेंड और थर्ड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. Okay guys, thanks for watching my video, and if you liked the video, don't forget to click on the like button, and if you're having any queries, feel free.